क्या आप जानते हैं किसी भी शहर का जो डेवलपमेंट का ग्राफ होता है वो डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे मान लीजिए अगर किसी शहर में रोड ही नहीं है तो वहां पे कोई डेवलपमेंट जल्दी होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा वहां पे। सबसे पहली बात, कोई बिल्डिंग उसके आसपास नहीं बनेगी, इंडस्ट्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि इंडस्ट्री के लिए रोड चाहिए, क्योंकि उसके लिए जो मटेरियल्स है वो तो आपको रोड के थ्रू ही वहां पे पहुंचाना पड़ेगा ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा डिमांड है। किसी भी शहर को किसी भी देश के लिए अगर आगे बढ़ना है, डेवलप करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे पहले उसमें आता है। मान लीजिए रियल एस्टेट का जो मार्केट है वो पूरी तरीके से लगभग डिपेंड करता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि किसी घर के पास अगर रोड नहीं रहता है तो उस प्रॉपर्टी का रेट जो है वो बहुत डाउन हो जाता है, वो जल्दी बिकता नहीं है। वही मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी के पास अगर रोड हो गया तो उसके आसपास का जो भी एरिया है ना वो बहुत स्पीड से डेवलप करना चालू कर देगा, क्योंकि वहां तक जो भी कुछ पहुंचाया जाएगा बिजनेस करने के लिए या किसी भी चीज के लिए, एकमात्र माध्यम जो है वो है रोड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है किसी भी शहर को, किसी भी देश को डेवलप करवाने में। समझ में आ गया? तो यहां से आपको तो एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का आजकल के टाइम में कितना ज्यादा क्रेज है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लोग सभी जानते हो कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में आती है, ना कि डेवलप्ड कंट्रीज में आती है। हम लोग बहुत ज्यादा स्पीड से डेवलप कर रहे हैं, और देखा जाए तो इंडिया का मैक्सिमम से मैक्सिमम परसेंटेज अभी भी गांव है, वहां पे अभी भी रोड की कमी है। तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा जोर दे रही है, अभी रोड बनाने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। तो अगर इसका स्किल, इसका नॉलेज अगर आपको आता है तो कहीं ना कहीं इसका असर आपके करियर पे भी पड़ सकता है। तो आपको जानना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है कि रोड बनता कैसे है तो ये सीखना चाहिए, रोड को डिजाइन कैसे किया जाता है वो भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि बहुतों को ये नहीं पता होगा कि रोड को डिजाइन भी किया जाता है। ठीक है, रोड को, जी हाँ, डिजाइन भी किया जाता है। जैसे एक बिल्डिंग को एनालिसिस किया जाता है लोड देकर, उसी तरीके से एक रोड को भी डिजाइन किया जाता है, उसको भी एनालिसिस किया जाता है लोड देकर कि ये कितने साल तक चलेगा अगर हम इतना लोड इसके ऊपर डाल देंगे, गाड़ी का लोड, कैरेज का लोड, ये सब हो गया। अभी भी अगर देखा जाए तो हाईवे सेक्टर में, रोड सेक्टर में बहुत सारी जॉबें हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है जो इसके फील्ड में काम कर रही है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए बहुत कोई क्या करता है कि इस सेक्टर में नहीं जाते हैं। लेकिन ये बात नहीं है, इस सेक्टर में जाओ, बहुत ज्यादा ग्रोथ है, आप लोग को जाना चाहिए। डिजाइन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, एग्जीक्यूशन सेक्टर है, बहुत सारे हैं। इन सारे सेक्टर में आप जाके यहाँ से अच्छा खासा अपने करियर के लिए ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट कभी डाउन नहीं होने वाला है, क्योंकि इसी पे बाकी सबका जो मार्केट है वो डिपेंड करता है। तो अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आपको सीखना चाहिए, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप कहाँ से इस कोर्स को सीख सकते हो। तो सॉलिट्यूड एडुकेशन लाया है आप लोग के लिए हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके रोड के बारे में सीख सकते हो, उसको कैसे डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सीख सकते हो, कैसे उस पर लोड एनालिसिस करते हैं, कैसे उसको हम लोग सर्वे के लिए यूज करते हैं उस ड्राइंग को, वो सब हम लोग उसमें सीख सकते हैं। बीओक्यू से लेके हो गया, ड्राइंग रीडिंग से लेके हो गया, और भी बहुत कुछ सारा कंटेंट मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। एस्टिमेशन से लेके, रेट एनालिसिस से लेके, ये सब भी पार्ट आती है हमारे हाईवे डिपार्टमेंट में, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में। तो ये सारा चीज जो है आप यहां से सीख सकते हो सॉलिट्यूड एडुकेशन के कोर्स से। आप एक बार कोर्स कंटेंट को पूरा देख लीजिए, जो प्राइस यहाँ पे रखा गया है वो बहुत ही रीजनेबल रखा गया है। आप कोर्स कंटेंट को देख लीजिए, लेना तो आपके ऊपर है, आप लो या ना लो वो आपके ऊपर है, लेकिन कोर्स कंटेंट को देख लीजिए, काम की लगे तो आप लोग यहां से कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर का कोर्स जो है वो अभी कहीं पे देखा नहीं गया है इस प्राइस में। और एक खास बात सॉलिट्यूड एडुकेशन की तरफ से आप लोगों के लिए, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का कोर्स यहाँ से लेते हो तो आपको यहाँ पे ओरेकल प्राइमावेरा P6 जो है वो कोर्स आपको यहाँ पे फ्री में मिलता है, जिसकी प्राइस यहाँ पे 1999 है। P6 का यूज तो आप समझ ही सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अगर आप प्लानिंग के पार्ट में जाते हो तो इसके बिना आप कभी काम कर ही नहीं पाओगे। मिडिल ईस्ट कंट्री में जाओगे तो यही चलता है हर कंपनी में, चाहे वो कंपनी छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, बिना प्लानिंग के कोई भी कंपनी वहां पे काम नहीं करती है। सबसे इनिशियल स्टेज जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होता है वो प्लानिंग होता है, तो वहां पे P6 ही यूज होती है। ये एडवांस वर्जन है हमारे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का। तो ये कोर्स आपको यहाँ पे फ्री पे मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स के साथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्किल आपको सिखाए जाएंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स में, ये यहाँ पे शॉर्ट दिया हुआ है। अब इस कोर्स के अंदर में क्या क्या आपको सिखाया जाएगा ये आपको आगे चलकर मैं बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं कि इस कोर्स में हम सीखेंगे क्या। सबसे पहले तो यहाँ पे है MX रोड सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में आप यहाँ पे रोड को डिजाइन करना, एनालिसिस करना, प्लॉट करना,
सारा चीज इस सॉफ्टवेयर में होता है, इसी में डिजाइन किया जाता है रोड को। तो ये सॉफ्टवेयर भी आप सीखोगे, ये एक नया चीज आप लोग के लिए रहने वाला है। उसके बाद पेमेंट डिजाइन आपको सिखाया जाएगा, चाहे वो फ्लेक्सिबल हो या रिजिड हो, जो हम लोग कॉलेज में पढ़े थे लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे डिजाइन किया जाता है ये चीज यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ का रोड का जो क्वांटिटी एस्टिमेट निकाला जाता है कि हाँ इतना लंबा रोड बनाना है तो कौन सी चीज कितनी लगेगी कितनी नहीं, उसका जो क्वांटिटी एस्टिमेशन का फुल पार्ट होता है वो फुल पार्ट यहाँ पे आपका कवर किया जाएगा। साथ में यहाँ पे रोड का जो शेड्यूल ऑफ रेट SOR जो होता है वो आपको यहाँ पे पूरा सिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे BOQ एज पर NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से जो BOQ बनती है उसको स्टडी कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं, उसको रीड कैसे करते हैं ताकि आप प्रॉपरली काम करवा पाओ एवरी स्पेसिफिकेशन को डिटेल में रीड करके, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे चेकलिस्ट होती है, अगर हम किसी रोड को बनाने आते हैं तो प्रॉपर तरीके से आपको बहुत कुछ चेक करना पड़ता है, वो सारे चेकलिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, वो सारे चेकलिस्ट आपको यहाँ पे समझाए जाएंगे। उसके बाद रोड का जो वर्किंग प्रोसीजर रहता है डिटेल में, वो सारा चीज प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल्स के थ्रू आपको यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा, बताया जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो चीज मैं अभी आपको बताया इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज आपको इसके अंदर में सिखाया जाने वाला है। तो ये सब देख लीजिए, MX रोड सॉफ्टवेयर में आपको ये सारे सेशन सिखाए जाएंगे। आपको मैं ये जो मैं समझा रहा हूँ इसका पूरा PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से रीड करके सारा चीज कंटेंट देख लेना कि इतना डीप में आप लोग को ये सिखाया जा रहा है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। इंट्रोडक्शन हो गया, सर्वे डाटा वैलिडेशन हो गया, सर्फेस एनालिसिस फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन हो गया, ज्योमेट्रिक डिजाइन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको फिर यहाँ पे बताया जाएगा, MX रोड बेसिक टॉल, फिर MX सॉफ्टवेयर में हम लोग कैसे ज्योमेट्रिक डिजाइन को करते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट भी पूरा आपको समझाया जाएगा इस सॉफ्टवेयर में, कैसे निकालते हैं सुपर एलिवेशन ये भी इस सॉफ्टवेयर में आपको सिखाया जाएगा। फिर हार्ड कोड डिजाइन, रोड जंक्शन, क्रॉस सेक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज यहाँ पे कवर किए जाएंगे। अब बात करते हैं प्राइमावेरा की, जो आपको फ्री में मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये सारा चीज लिखा हुआ है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे समझाया जाने वाला है, किस तरीके से प्रोजेक्ट को हम लोग मॉनिटर करते हैं, किस तरीके से प्लान करते हैं, किस तरीके से हम लोग किसी प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो उसके टाइम पे कैसे करना है, किस तरीके से रिसोर्स का लेवलिंग हम लोग करते हैं, किस तरीके से रिसोर्स को हम लोग असाइन करते हैं, पूरा डिटेल में हर चीज आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा प्राइमावेरा का। उसके बाद पेमेंट डिजाइन में आपको रिजिड और फ्लेक्सिबल पेमेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंट्रोडक्शन, सारे जो वहां पे डिजाइन करने के लिए आपको टूल्स चाहिए वो सारा चीज आपको सिखाया जाएगा, उसको डिजाइन कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा मैनुअली। फिर डाटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वहां से, कैसे लैब रिपोर्ट को वहां पे सबमिट करना पड़ता है, वो सब भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी एस्टिमेशन, क्वांटिटी एस्टिमेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो मट्टी कटाई हो गया उसकी क्वांटिटी, मट्टी को बैकफिलिंग करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स लगते हैं रोड को बनाने के लिए, एस्फल्ट का क्वांटिटी, बिटुमन का क्वांटिटी, ये सब कैसे निकालते हैं कैसे नहीं, प्रॉपर एक कंपनी में प्रोजेक्ट को लेके वो सब आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा। फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट में जो लेयर वाइज सब हम लोग डालते हैं उन सब का क्वांटिटी कैसे निकालना पड़ता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना लेना पड़ता है, वो सब भी आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा। उसके बाद BOQ बिल ऑफ क्वांटिटीज एज पर NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका बेसिक आपको सिखाया जाएगा, आपको फॉर्मेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो फॉर्मेट चलते हैं वो कैसे हैं, उसको रीड आउट कैसे किया जाता है, समझते कैसे हैं, ये सब भी आपको यहाँ पे कवर करना है। फिर SOR में शेड्यूल ऑफ रेट में आपको एज पर CPWD और PWD जो होते हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पे रेट एनालिसिस करना सिखाया जाएगा, शेड्यूल्ड आइटम नॉन शेड्यूल्ड आइटम क्या होता है इसके बारे में भी आपको अच्छा खासा आइडिया दिया जाएगा। तो ये सब हो गई कोर्स कंटेंट की बातें, अब कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको ये सब कोर्स फीचर्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलने वाला है, आप लाइफ टाइम में जितनी बार इस वीडियो को देख के उतनी बार सब चीज को रिकॉल कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे रेगुलर डाउट सेशन आप लोग का होता रहता है जिसमें आप प्रोफेशनल से पूछ के आप अपने क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। इसके साथ ही आपको यहाँ पे वेब पोर्टल का भी एक्सेस मिलता है कि आप फोन के साथ साथ आप चाहो तो कंप्यूटर में लैपटॉप में भी इस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफलाइन डाउनलोड का फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगा, ये है कि हर जगह नेट अवेलेबल नहीं रहती है तो जहां पे अवेलेबल है वहां से वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, ऑफलाइन अपने पास रख लीजिए और जहां पे नेट नहीं है वहां पे जाकर उसको देख सकते हो एनी टाइम एनीवेयर। इसके साथ आपको एक ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा जिसमें प्रोफेशनल्स रहेंगे, आप अपने क्वेरी को वहां पे कभी भी उनसे पूछ सकते हो, वो आपको वहां पे गाइड कर देंगे। इस कोर्स को करने के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट, जो भी प्रैक्टिस मटेरियल लगेगा वो सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा सॉलिड्यूड एजुकेशन के द्वारा। आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है अगर आप यहाँ से सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर लेते हो तो,
और ये जो कोर्स है ये ISO सर्टिफाइड है पूरी तरीके से, जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। और यहाँ पे एक और फैसिलिटी है कि कोई कंपनी अगर चाहे कि आपके सर्टिफिकेट को चेक करे कि ये वैलिड है कि नहीं, तो वो भी इसको चेक कर सकती है ऑनलाइन। तो इतना सारा जो कोर्स कंटेंट था, ये सारा चीज, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट, ये सारा चीज, और इसके साथ ही आपको P6 का कोर्स भी फ्री में मिलता है। और ये सारे चीज के लिए आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे 1999, यानी कि अप्रॉक्स 2000 रुपीज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। लेकिन ये सारा चीज आपको यहाँ पे मिलता है 2000 रुपए में अप्रॉक्स। लेकिन ये फर्स्ट 100 इंजीनियर्स के लिए ही है, फर्स्ट 100 इंजीनियर्स को ही इस प्राइस में मिलेगा। तो जो यहाँ पे इंटरेस्टेड है वो लोग आप जाके ले सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉलिट्यूड एजुकेशन का ऑफिशियल ऐप का लिंक दिया हुआ है प्ले स्टोर का, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, उनके ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप वहां पे साइन अप कर लीजिएगा अपने नंबर्स के थ्रू। उसके बाद आप ये बैनर देख पाओगे जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें जाके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको ले लीजिएगा। लेने के बाद आप यहाँ से कोर्स को ले पाओगे, प्राइमावेरा भी फ्री में सीख पाओगे, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कोर्स है ये भी यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। तो कोर्स का कंटेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन जो कोर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेक्टर के लिए। फिर भी आपकी कोई क्वेरी यहाँ पे रह गई है तो आप यहाँ पे नंबर आप प्रोवाइड किया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज ही से अपनी लर्निंग स्टार्ट कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।